बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबर हसैन। उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे घिया तोरी। घिया तोरी बनाने में बड़ी आसान होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो घिया तोरी बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमने ली हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। घिया तोरी हमने ली है 1 किलो। घिया तोरी के हमने ऊपर से छिलके उतार लिए हैं। प्याज हमने लिए हैं 2 अदद जो हमने काट लिए। टमाटर भी हमने 2 अदद लिए हैं लाल लाल जो हमने काट लिए। सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं 4 अदद जो मशीन से हमने बारीक बारीक काटी हैं। सुरख मिर्च ली है हमने कुटी हुई 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच। पिसा हुआ धनिया हमने लिया है 1 चम्मच। काली मिर्च पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच। नमक लिया है हमने 1 चम्मच। गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच। पहले घिया तोरी काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घिया तोरियां हमने काट कर रख ली हैं। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हा जलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया है। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मिट्टी की कढ़ाई ली हुई है। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने लिया है 100 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हम नरम होने तक सिर्फ फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी। धनिया। नमक। मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। टमाटरों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घिया तोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। घिया तोरी को मिक्स हमने कर लिया है। अब हम घिया तोरी को भूनेंगे। घिया तोरी को हमने भून लिया है। अब हम ऊपर देंगे ढकना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घिया तोरी को गलने देंगे। घिया तोरी में पानी नहीं डालेंगे, इसलिए वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि घिया तोरी हांडी के नीचे न लगे। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी गियातोरी ने छोड़ा था उसमें गियातोरी गल तो गई है, अभी थोड़ा पानी बाकी है। अब हम ढक्कन दिए बगैर पानी खुश करेंगे और गियातोरी को भूनेंगे। तो गियातोरी हमारी पक चुकी हैं, अब हम चूल्हा करेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर देंगे ढकना और 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे रकाबी में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गियातोरी को हमने रकाबी में निकाल लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी गियातोरी तैयार हुई है। आप भी घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी गियातोरी कैसी तैयार हुई है। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल विल्ज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।